हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक टेक एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एलसीएम सीखेंगे भाग विधि द्वारा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, 12, 18 और 36 का एलसीएम निकालना है भाग विधि के द्वारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 18 और 36, इस प्रकार से लिख लेना है। अब इसमें हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12, 18, 36 में 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मरतब में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ 18 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो 9 मरतब में कितना हो जाएगा, 18। फिर 36 में 2 से भाग लगाएंगे तो 18 दुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो है 6, 9, 18 में 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अगर एक भी संख्या 2 से कटेगा तो पहले 2 से भाग लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 से भाग नहीं लेगा एक भी संख्या में, तब आपको 3 से भाग लगाना है, ठीक है। चलिए 2 से भाग लगा लेते हैं। तो 6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 9 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तो जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा उस संख्या को ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे और 18 में 2 से भाग लगाएंगे तो 18 में 2 से भाग लगाने पर 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3, 9 और 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो अब इसमें 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और फिर 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पर 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1, 3, 3 है तो इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 1 में तो 3 से भाग नहीं लगेगा तो 1 ऐसे हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। आपको नीचे में 1-1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, तो ये वाला जो साइड वाला आप देख रहे हैं इसको आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो गया आपका आंसर। यानी 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। चलिए दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, 24, 48 और 72 का एलसीएम निकालना है। तो इसको लगाएंगे इस प्रकार से भाग विधि में, 24, 48, 72। अब इसमें देखिए 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 2 से विभाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 8 है और 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे तो 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है। फिर 48 में 2 से भाग लगाना है तो 48 में 2 से भाग लगाएंगे तो 24 होगा, और 72 में 2 से भाग लगाएंगे तो 36 होगा। फिर इसमें देखिए 2 से भाग लग जाएगा, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 18 दुना 36। फिर इसमें 2 से भाग लगा देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नम्मे 18। फिर इसमें 2 से भाग लगा देंगे, 3 में तो भाग नहीं लगेगा, 3 को ऐसे उतार लेंगे, 6 में भाग लगेगा 3 मरतबा में, 2 तिया 6, 9 में भाग नहीं लगेगा छोड़ देंगे। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है। भाग लगाने के बाद अब आपको करना है, यहाँ पर लिखना है, अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये, ठीक है, जिससे हम भाग लगाएं इसी को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वही 24, 48 और 72 का एलसीएम होगा। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
चलो इसको गुना कर लेते हैं, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, आ तीन तिया नौ, तो सोलह नमे कितना हो जाएगा, सोलह नमे हो जाएगा 144। और ये हो गया आपका आंसर, अर्थात 24, 48 और 72 का एलसीएम कितना हो गया, 144 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है और बहुत ही आसान तरीका से, जो कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाए, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे को सीधा दिमाग में ठोकते हैं।